सामने मेरे सौका अलबहर है। सौका अलबहर के ही बाजू में ये सब जो ये लोगों को देख रहे हैं ना, ये सब फाउंटेन शो देखने के लिए अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। शाम हो गई है तो फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला है। दुबई माल देख के और घूम के हम वापस भी आ गए हैं और अब हम आपको दिखाते हैं बुर्ज खलीफा। ठीक है, और बुर्ज खलीफा देखिए इधर की ओर है, बुर्ज खलीफा ये देखिए इधर की ओर है। अभी हमें बुर्ज खलीफा पे तो भैया लोग देख सकते हैं, जैसा कि दुबई माल हमने देख लिया है और दुबई माल देख के हैं तो सामने मेरे सौका अलबहर है। सौका अलबहर के ही बाजू में ये सब जो ये लोगों को देख रहे हैं ना, ये सब फाउंटेन शो देखने के लिए अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। शाम हो गई है तो फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला है। और मेरे पहले देखिए है बुर्ज खलीफा, ये देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए क्या है बुर्ज खलीफा। आप यहाँ पर चाहें तो अपना फोटो तस्वीर वगैरह भिजवा सकते हैं, हमने भी एक दो तस्वीरें खिंचवानी है तो मैं बोलता हूँ किसी को कुछ मैं यार ये DSLR वगैरह ले लेके ना हाथ में पूरा, तो आज बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि GoPro से ही इससे ही इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटो आ जाती है मैं, और मोबाइल से iPhone 13 से अच्छी फ़ोटो आ जाती है। देख सकते हैं जैसा कि अभी बुर्ज खलीफा की ये जो लाइट है ये स्टार्ट हो गई है और देखिए कितनी अच्छी प्यारी लग रही है। वाओ पहला क्या था सन नशु बिल्कुल बिल्कुल चलो। जैसे यहाँ पे अगर आप बुर्ज खलीफा आप घूमने आ रहे हैं या दुबई माल घूमने आ रहे हैं तो मैं आपको राय दूंगा, आप करीब दोपहर के बाद आइए तो दोपहर के बाद आपको 2-3 घंटे आप दुबई माल घूम लेंगे और दुबई माल घूमने के बाद शाम ये बुर्ज खलीफा देख लेंगे। शाम को बुर्ज खलीफा का मज़ा ही कुछ है क्योंकि पूरी बुर्ज खलीफा पर लाइट जलती है और फाउंटेन शो होता है और यहाँ पर आप चाहें तो बोट राइड भी कर सकते हैं। कि अभी फाउंटेन शो और लाइटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे आप बुर्ज खलीफा आप देखने आए तो यहाँ पे अगर फाउंटेन शो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार की बोट राइड चलती है, आप देख लीजिए। बोट राइड अगर आप यात्रा करते हैं राइड कराते हैं नाव से तो उसका चार्ज है 68 UAD, मतलब 68 दिरहम, मतलब हो गया 1300 से 1400 के अप्रॉक्स। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार बने हुए, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं अपना। देख सकते हैं इधर की ओर, देख सकते हैं इधर की ओर बच्चों को खेलने के लिए गाड़ी है, छोटी बच्चों को चलाते हैं। आगे ट्रेन भी आ रही है और आगे ट्रेन भी आ रही है, अभी देख लीजिए। अरे देखो गुरु देखो देखो,
लोग फिर से फाउंटेन चालू हो गया है, ये दिखाता हूँ आगे से, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। वगैरह देख के आ चुके हैं और थोड़ा थोड़ा ठंड लग रही है, और अभी हमने यहाँ पे ये पानी बॉटल लिया है। पानी बॉटल पता है कितने का पड़ा? 5 ग्राम, यानी 100 रुपये का है पानी बॉटल, जो अपना वहाँ इतना बड़ा 10 रुपये का आता है ना भैया, ये यहाँ पे 100 दिराम का है, समझ लीजिए इतनी महंगाई है। अभी ज़रूरी है सेहत के लिए ना। अब यहाँ से देखता हूँ कहाँ जाता हूँ, हल्की हल्की ठंड लग रही है, अब यहाँ से देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ का प्लान करता हूँ आपको अभी बताऊँगा। कहाँ चला जाए, रात हो गई है, मरीना पर रात हो गई है, दुबई मरीना का भी आपको रात का व्यू दिखा दिया है। हाँ, कल सुबह मैंने सिटी टूर बुक किया है, सुबह मुझे 9 बजे पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? बुर्जमान मेट्रो गेट नंबर 2, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, हमको बता दीजिएगा कहाँ पहुँचना है। बुर्जमान मेट्रो गेट नंबर 2, एक बार कहाँ पहुँचना है? बुर्जमान मेट्रो गेट नंबर 2 पे, ठीक है। पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं थोड़ा। लो जी मुबारक हो, चश्मा यहाँ भी गुम गया मेरा, गुम क्या गया, छूट गया, कहाँ छूटा है मुझे पता है, वो बुर्ज खलीफा के पास ही, लेकिन अब छोड़ो कौन जाए, दूसरा चश्मा ले लेंगे, देखते हैं कहीं पे। तो चलिए भैया लोग, जैसा कि अब हम बहुत घूम लिए, अब हम आगे मेट्रो पकड़ते हैं और चलते हैं अपने हॉस्टल, क्योंकि सुबह मुझे जाना है सिटी टूर के लिए, तो उसके लिए लेट हो जाएगा, ठीक है, तो बने रहिए। आगे आ गया मेट्रो स्टेशन, देखिए इधर से रास्ता है, इधर से है जाने का सर। दुबई मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं, ये दुबई मॉल से जैसे ही आप निकलेंगे करीब आपको कितना 1 किलोमीटर बहुत लंबा ये सबवे है, इसके ऊपर से चलना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएगा। ये देखिए बुर्ज खलीफा दुबई मेट्रो स्टेशन, आगे देखिए टिकट ले सकते हैं, देखिए भैया लोग देख सकते हैं, जैसा कि अभी हम बुर्ज खलीफा
दुबई मॉल मेट्रो से यात्रा करके आ चुके हैं, और मेट्रो का जो किराया लगा है वो लगा है इसमें 5 दिरहम, मेरे नोल कार्ड से कटे हैं। अब मैं सामने जा रहा हूँ सुपरमार्ट में, यहाँ से मैं थोड़ा अपने लिए कुछ खाने के लिए जूस वगैरह ख़रीदूँगा, और उसके बाद चलेंगे भाई अपने घर पे। तो आप इसी से महंगाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने 2 जूस का बोतल लिया है, ये मुझे 202 और ये मुझे 2 जूस का बोतल मुझे पड़ा है 14 दिरहम पे। देखिए बिल, जूस ये जूस है, ये वाला देख लीजिए, ये वाला है, और एक ये वाला, ये देखिए ये जूस, समझ गए। अपने यहाँ भी वही रेट आ जाता है, कितने का था मान के चले वही 300 में आ जाता, 14 दिरहम कितना हुआ वही 480-500 कोई बात नहीं है। लेकिन चलिए फटाफट ये जूस में पी लेता हूँ, और कल सुबह पी लूँगा, फिर मिलते हैं, ठीक है, बने रहिए। तो गाइस सभी हम आ चुके हैं इस वीडियो, और ये देख सकते हैं दुबई बीच है इधर की, और कुछ लोग अपना नहा धो रहे हैं। आपको कुछ दिखा देता हूँ दुबई बीच का कुछ शॉट, ये देख लीजिए।